जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अगर आज मैं आपसे कहूं कि आपके पास इस बॉटल में जितना पानी आएगा उतना ही पानी है इस्तेमाल करने के लिए, आप हाथ धोइए, पानी पीजिए, जो आपको करना है, लेकिन इस बॉटल में जितना पानी है उतना ही, वो भी आज पूरे दिन के लिए। अगर आपने मुझसे इससे 1 लीटर ज्यादा पानी या इससे 1 बूंद ज्यादा पानी भी आपने मुझसे मांगने की कोशिश की तो आपको जेल हो जाएगी, याद रखना। क्या हुआ दोस्तों, आप हैरान हो गए? चौंकिए मत, क्योंकि ये अफ्रीका की राजधानी केप टाउन देश की हकीकत है। जी हाँ दोस्तों, वहां की सरकार ने केप टाउन को दुनिया का सबसे पहला पानी बिना का देश घोषित कर दिया है। तो दोस्तों, आखिरकार नियति ने ट्रिगर खींच ही लिया है लोगों की लापरवाही को देखते हुए। अब आप कहेंगे, जाहिर सी बात है, आप यही कहेंगे ना कि उन्होंने ध्यान नहीं रखा होगा, जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया होगा या पानी का दुरुपयोग किया होगा। तो दोस्तों, ये कुदरत है, यहाँ पे हर किसी के कर्मों का हिसाब होता है। आज अगर केप टाउन की ये बारी आई है तो कल को हमारी बारी भी आ सकती है। आइए जानते हैं केप टाउन से जुड़ी क्या है ये न्यूज़। तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन को विश्व का सबसे पहला पानी बिना का देश घोषित कर दिया है, क्योंकि वहां की सरकार ने 14 अप्रैल 2023 से पूरी तरह से पानी न दे पाने की असमर्थता दिखाई है। साथ ही साथ दोस्तों, वहां स्नान करने की मनाही है पानी की कमी होने की वजह से, और 10 लाख लोगों के पानी के कनेक्शन को काटने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, जैसे भारत में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खरीदने जाते हैं, वैसे ही केप टाउन में पानी के टैंकर आएंगे और प्रत्येक व्यक्ति को 25 लीटर जितना पानी दिया जाएगा इस्तेमाल करने के लिए। और पानी की अधिक मांग करने वालों के खिलाफ पानी की लूट को रोकने के लिए पुलिस और सेना के जवानों को तैनात किया गया है। तो दोस्तों, इस दुखद यात्रा में किसी को भी अत्यधिक पानी नहीं मिलेगा, इसीलिए पानी को सावधानी से, किफायती से इस्तेमाल कीजिए और उसका अत्यधिक उपयोग रोकिए। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा आपको कि आज जो परिस्थिति केप टाउन की है, उसे देखकर कुदरत से सिर्फ एक ही विनती है कि ऐसी परिस्थिति कभी हमारे यहाँ ना आए, क्योंकि हाल ही में देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के लातूर में रेलवे द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि विश्व का सिर्फ 2.7% पानी पीने योग्य है। दोस्तों, आसपास के सभी डैमों में पानी का स्तर घटता जा रहा है, जिसकी वजह से भूगर्भ जल स्तर और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है, जिसकी वजह से भविष्य में पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो आइए साथ मिलकर एक जिम्मेदार नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाते हैं और पानी को काफी किफायती से इस्तेमाल करते हैं, सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये तो आप काफी सरलता से कर सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताती हूँ जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करके पानी का सावधानी पूर्वक उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि रोज अपनी गाड़ी या मोटर बाइक मत धोइए, वैसे ही घर का आंगन, चौक, सीढ़ियां धोने में जरूरत से ज्यादा पानी न ढोलें। नहाते वक्त पानी का नल बंद कर दें अगर बाल्टी भर गई है तो। अगर ब्रश कर रहे हैं तो पानी चालू मत रखिए, बंद कर दीजिए। अगर हाथ धो रहे हैं तो हाथ मल लीजिए, फिर पानी शुरू कीजिए। वैसे ही पौधों में जरूरत से ज्यादा पानी मत डालिए, जितना जरूरी है उतना ही डालिए। वैसे ही अगर आपके घर में कोई भी टैप अगर लीकेज है, पानी बूंद बूंद टपक रहा है, उसे रिपेयर करवाइए। और रोड पर बार बार पानी का छटकारा मत दीजिए ताकि मक्खियां ना बैठे, इससे अच्छा अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखिए। तो दोस्तों, आइए साथ मिलकर हम इस संकट का सामना करते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। परेशान मत होइए, कोई मैजिक नहीं होगा, सिर्फ यही होगा कि एक जरूरी महत्वपूर्ण सूचना हर एक व्यक्ति को मिलेगी और आने वाले कठिन समयों में हमें पानी की बचत करने का पुण्य मिलेगा। तो दोस्तों, सभी का होगा सहयोग तो पानी का नहीं होगा दुरुपयोग। जय हिंद, जय भारत।